रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदिशे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताया पते नमः। प्यारे मित्रों, जय श्री राम, जय माता दी। भगवान राम का विवाह, जिसको विवाह पंचमी के नाम से जाना जाता है, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि विवाह पंचमी के नाम से जाना जाता है। ये पावन पर्व इस बार 19 दिसंबर 2020 को पड़ रहा है, श्री राम जानकी विवाह महोत्सव। इस दिन भगवान राम का विवाह भगवती आदि शक्ति माँ पराम्बा भगवती दुर्गा जगत जननी जानकी जी के साथ हुआ। भगवान राम का प्राकट्य अयोध्या में महाराज दशरथ के यहाँ पुत्र रूप में हुआ और भगवती का प्राकट्य जनक जी के यहाँ जानकी के रूप में हुआ। जानकी ने एक दिन अजगर उठा करके, धनुष को उठा करके भगवान शिव का जो धनुष था उसको दूर रखा। महाराज जनक ने प्रतिज्ञा की कि जो इस धनुष का खंडन करेगा उसी के साथ मैं अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। तो मित्रों, भगवान राम राघवेंद्र सरकार जो कि भगवान विष्णु के अवतार हैं और भगवती आदि शक्ति माँ लक्ष्मी की स्वरूपा हैं, अवतार हैं, भगवान का विवाह जानकी जी के साथ हुआ तो इसको विवाह पंचमी के नाम से जाना जाता है। और ये विवाह पंचमी आप 19 दिसंबर को पड़ रही है, तो आप लोग अपने घरों पर भी बड़ी भक्ति और श्रद्धा के साथ अपने घर को मंडप की तरह सजाइए, मंदिर को सजाइए और भगवान राम का विवाह और जानकी जी के विवाह को विधिवत रूप से करिएगा। उसमें जो कन्यादान की वस्तुएं आपको रखना है वो रखिएगा और वो कन्यादान की वस्तुएं किसी भी गरीब कन्या का विवाह हो वहाँ पर उनको समर्पित कर दीजिएगा, दे दीजिएगा, तो आपके जीवन में भगवान की कृपा होगी। पुनः मिलूंगा एक नए वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय माता दी, जय माता दी।